नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? क्या मंगाया मैंने ये? भर भर के पार्सल्स है मेरे पास, तीन बड़े बड़े बॉक्सेस है जिसमें बहुत सारा स्किन केयर है। सो हाय गाइस, माय नेम इज कोमल एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है इज अबाउट नायका हॉल। नॉट नायका हॉल एक्चुअली, जो भी चीज़ें, हाँ नायका हॉल ही बोल सकती है क्योंकि मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। अभी रिसेंटली नायका पे सेल चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है वो ख़त्म हो गई थी एंड कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मुझे ट्राई करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो चलते नायका पे शॉपिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा बजट सेट किया था 8,000 का, जिसमें मुझे मेकअप और स्किन केयर और कुछ मेकअप टूल्स लेने थे। तो क्या हुआ ना, जैसे जैसे मैं कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करती गई, उसकी कार्ट वैल्यू हो गई मोर देन 15,000, पूरा बजट के बाहर हो गया वो। लेकिन मुझे चीज़ें खरीदनी थी तो सोचा ठीक है चलते खरीदते हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट हैं ना जो एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है, सारे प्रोडक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में मेकअप और एक में स्किन केयर एंड मेकअप टूल्स है। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है आपको। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस हॉल का पहला प्रोडक्ट है प्लम वैनिला बॉडी लोशन। जो भी प्राइजेस होंगी वो मैं आपको, अभी मुझे याद नहीं इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो जो भी प्राइजेस होंगी वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइजेस पता चल जाएंगे। इस पे कब हमेशा ऑफर चलते रहते हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस है 475, लेकिन कुछ तो ऑफर में लिया मैंने इसको। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्मूथ होती है इससे बॉडी, बहुत ज़्यादा हैंड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम लोरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट आई सीरम। इसके बारे में बहुत सुना है मैंने, कभी इसको यूज़ नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है डार्क सर्कल्स कम होते या नहीं, लेकिन ट्राई करके मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगी। इसकी प्राइस है 699 रुपीज़। अगला प्रोडक्ट है हाइड्रेटिंग क्लींजर फ्रॉम सेरावी, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। फ्रेग्रेंस फ्री है सेरावी के प्रोडक्ट्स और नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स के लिए है, मेरी स्किन नॉर्मल में ही आती है, भी रिव्यू मैं आपको यूज करके दे दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज फेस एंड बॉडी सनस्क्रीन फ्रॉम सनस्कूप। एक्चुअली ये मेरा सेकेंड, ये मेरी सेकेंड बॉटल है, मुझे पीआर में आई थी फर्स्ट वन, तो इसके काफ़ी मतलब ये बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, कहीं पे भी जाओ आपको दिखेगा ये, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, और अच्छा है ये, मतलब नो व्हाइट कास्ट देता है आपकी स्किन को। SPF 60 है इसका, इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस कहाँ पे है, 499। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट का एंटी डैंड्रफ सीरम, ये भी मैं यूज करके आपको बताऊंगी इसका रिव्यू। अब ओपन भी नहीं किया इसको, बंद है या सील है पूरा। इसकी प्राइस है 499। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द कोसारेक्स, कोसारेक्स का स्नेल म्यूसिन। दिस प्रोडक्ट इज मैजिक, ये मेरी सेकेंड बॉटल है और एक बॉटल आपको 6 to 8 months आराम से जाती है, लेकिन इससे जो स्किन होती है ना, ओ माई गॉड, आई कैन टेल यू। रिव्यू मैं करने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगला प्रोडक्ट है इज टोनर, फेस टोनर फ्रॉम प्लम, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इससे स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, और स्किन केयर करने से पहले, मॉर्निंग स्किन केयर करने से पहले तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसकी प्राइस है 225। द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज प्लम का मेकअप क्लींजिंग बाम। इससे मेकअप इतने सॉफ्टली निकल जाता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, ये प्राइस है 545 रुपीज़। अगला प्रोडक्ट है डॉट एंड की का फेस, डॉट एंड की के मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम, ये भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं अलग फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करती थी, लेकिन अभी मुझे ये यूज़ करके देखना है कि कैसा है, फिर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी। ये इसकी प्राइस है 395। द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का है हेयर मास्क।
इसके भी काफ़ी रिव्यूज़ सुने हैं मैंने। मैंने आज तक कोई भी हेयर मास्क यूज़ नहीं किया है अपने हेयर्स पे, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। ये है गार्नियर की तरफ से माइसेलर वाटर, ये तो मैंने पहले बहुत बार यूज़ किया है, तो इस बार मैंने बड़ी ट्यूब ली है। मेकअप बहुत अच्छे से निकलता है इससे भी। स्किन केयर में बस इतने प्रोडक्ट थे, बाकी है मेरे पास जो मेरा स्किन केयर मॉर्निंग और नाइट रूटीन है उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। और अभी बढ़ते हैं मेकअप टूल्स स्किन केयर टूल्स की तरफ। तो फर्स्ट थिंग इज फेस आइस रोलर, समर्स के लिए तो अच्छा लग रहा है मुझे ये। अगला प्रोडक्ट है अर्थ रिदम का मेकअप क्लेंजिंग पैड्स। द नेक्स्ट वन इज वुडन कोम्ब। एक्चुअली ना मुझे वुडन कोम्ब यूज़ करना है, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो मुझे वुडन कोम्ब ट्राई करके देखना था कि उससे क्या इफेक्ट होता है, तो ये ऑर्डर किया था मैंने फ्रॉम नेट हैबिट। अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन देखते इससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वुडन कोम्ब से ना बाल टूटते हैं मतलब, लेकिन देखते यूज़ करके। ये मैंने ओपन करके देखा है, ये है आईलैश कर्लर फ्रॉम गब और इसकी प्राइस है 165। मैंने आज तक कभी भी आईलैश कर्लर यूज़ नहीं किया है, तो मुझे देखना था कि कैसे होते, लेकिन जब आप ये यूज़ करके मस्कारा लगाते हो ना, तो ऐसे मस्त सी फिनिश आती है ना आपके आईलैशेस को, क्या बताऊँ मैं। अनदर वन इज क्या ये द अनदर वन इज पिंपल पैचेस फ्रॉम सैनफी। ये 36 पीसेस है, मतलब शेप्स अलग अलग है सबके। ये भी मैंने बहुत सुना है कि ये काम नहीं करते पिंपल पैचेस, लेकिन देखते हैं यूज़ करके। मुझे ज़्यादा आते नहीं है पिंपल्स, लेकिन जब भी आएंगे मैं इसको यूज़ करके आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपडेट कर दूँगी, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैं लिंक इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज रोलर एंड गवाशा। एक्चुअली मेरे पास जो पुराना वाला है गवाशा वो नायका का है, लेकिन मुझे कुछ अलग यूज़ करना था। गवाशा से होता है डिफरेंस, लेकिन मुझे इसे प्रॉपर रोलर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये लिया। ये पूरा सेट था गवाशा और रोलर का, मार्स, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मार्स। और इसकी प्राइस तो नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, वो है दिस इज इसकी प्राइस है 1199, लेकिन ये बहुत सस्ते में मिला था मुझे। जो भी प्राइस होंगी और जो भी प्रोडक्ट की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज स्कैल्पी, बहुत ज़्यादा हैंडी है, देखते यूज करके ये भी कैसा है। एंड यस दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको मेरा नायका हॉल पसंद आया हो, और अगर आपको कुछ परचेस करना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।